गुरुवार को पूरे देश भर में पत्नियों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से देर शाम को चंद्र देव की पूजा अर्चना कर अपने पतियों के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत समाप्त किया। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अपने पति और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए अनेकों व्रत किए जाते हैं, परंतु बाद जब जीवन साथी के लंबे उम्र की हो तो उसमें करवा चौथ का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। भिलाई में भी घर घर में पत्नियों ने अपनी पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और देर शाम चंद्रदेव के दर्शन कर उन्हें अर्घ देकर अपने पति के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथ से अमृत धारा ग्रहण करके अपना व्रत समाप्त किया। इस दौरान पत्नियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस व्रत के माध्यम से क्या मांगती हो, तो पत्नियों द्वारा बड़ी सरलता से कहा गया कि सिर्फ आपको चंदा मामा से क्या मांगो, 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 चंदा मामा से क्या मांगो। पांच ज्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि इस करवा चौथ में पत्नियों के व्रत को सफल बनाने के लिए पति भी ठीक अपनी पत्नियों की तरह निर्जला उपास रखा करते हैं और चंद्रदेव की पूजा साथ साथ करके दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।